हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंडिंग विथ 5, यानी कि किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट अगर 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को स्क्वायर का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैं आप लोगों को बताया था जेरल मेथड। ठीक है, जिसमें जो कि किसी भी नंबर का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, कोई भी नंबर हो, मतलब कि ऐसा कुछ रूल नहीं था कि एंड विथ 5 हो या कुछ भी हो, मतलब कोई भी नंबर हो उसका हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे वो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था। और इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्क्वायर ऑफ नंबर एंड विथ 5, यानी कि कोई भी नंबर हो जिसका हमको स्क्वायर अगर निकालना हो तो उसका अगर लास्ट डिजिट अगर 5 है तो उसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसका जो कि शॉर्टकट ट्रिक है इसका भी एक, तो उसको हम कैसे निकालेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोग से कुछ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप इसे फटाफट कर लीजिए। ठीक है, देखिए आप जो चैनल देख रहे हैं उस चैनल का नाम है देखिए स्मार्ट टेक सपोर्ट। ठीक है, और अगर आप एक लैपटॉप के माध्यम से देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए आपका एक वीडियो प्ले हो रहा होगा। ठीक है, और जस्ट नीचे देखिए सब्सक्राइब का एक बटन होगा। ठीक है, तो उस पर आप जाके क्लिक कर दीजिए। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं जो भी अपलोड करूँगा तो उसको जो है कि इन्फॉर्मेशन आपका नोटिफिकेशन आपका मोबाइल पे जो है कि चला आएगा तो आप देख सकते हैं उस नोटिफिकेशन को। और अगर आप मान के चलिए अगर आप मोबाइल के थ्रू से देख रहे हैं तो देखिए आपका वीडियो जो है कि आपका यहाँ प्ले हो रहा होगा, और जस्ट देखिए नीचे इस तरह का जो डाउनलोड ऑफलाइन डाउनलोड का ऑप्शन है उसके जस्ट नीचे देखिए सब्सक्राइब का ऑप्शन होगा, तो आप जो है कि इस पर भी जाके जो है कि आप टच कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए सब्सक्राइब करने से ये नहीं कि आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आपका जो है कि कोई भी कॉस्ट लगेगा, कोई भी चार्ज लगेगा, कोई पैसा वैसा वगैरह का कुछ कटेगा, तो ऐसा कुछ नहीं, ये टोटली फ्री है। ठीक है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से यही होगा नेक्स्ट लेक्चर जब भी मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुँच जाएगा और आप जो है कि उसको तुरंत देख सकते हैं, दोबारा सर्च करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बस आप इसको उम्मीद है आप लोग कर लिए होंगे अभी, और अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिए। ठीक है, अगर आप पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं तो ठीक है, अगर नहीं किए हैं तो फिर सब्सक्राइब अभी फटाफट कर लीजिए। तो चलिए हटाते हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर में जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड विथ 5, यानी कि कोई भी नंबर का जिसका लास्ट डिजिट अगर 5 हो तो उसका स्क्वायर हम तुरंत कैसे निकालेंगे। ठीक है, और इसके पहले मैंने जो कि कोई भी नंबर का जो कि स्क्वायर कैसे निकाले जाते हैं तो उसका मैंने आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, और आपका नेक्स्ट लेक्चर जो होगा आपका इस टॉपिक पर होगा, स्क्वायर ऑफ नंबर नियर ऑफ 50 के आसपास में कोई नंबर है तो उसका जो कि कैसे निकालेंगे, जो कि विद इन 2 से 3 सेकंड में कैसे निकालेंगे स्क्वायर। और इफ़ नंबर इज लेस देन 50, अगर 50 के नीचे अगर कोई नंबर है तो उसका जो कि स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं कि इसका किस तरह का एग्जांपल होगा। फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए मान लीजिए 25 के स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 45 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, तीसरा एग्जांपल ले लेता हूँ मैं 95 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा। चौथा मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 155 का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं पांचवा ले लेता हूँ 195 का, ठीक है, अगर स्क्वायर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देख रहे हैं कि इस जितने भी एग्जांपल मैंने लिया जो सारे एग्जांपल का जो कि लास्ट डिजिट जो है कि 5 है। देखिए इसका 25 का भी लास्ट डिजिट 5, इसका भी लास्ट डिजिट 5, लास्ट डिजिट 5, इसका भी देखिए लास्ट डिजिट 5 है, लास्ट डिजिट 5 है, यानी कि देखिए सारा जो है कि एग्जांपल का लास्ट डिजिट जो है कि वो 5 आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो है कि स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। सब इस तरह का अगर मेरा कोई नंबर रहेगा जिसका लास्ट डिजिट 5 रहेगा तो उसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, विद इन 2 सेकंड के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड लगेगा हम लोग इसके स्क्वायर निकालने के लिए कोई भी नंबर का, उसका अगर लास्ट डिजिट 5 है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं कह सकते हैं, मतलब एक लिखने का एक तरीका है। ठीक है, देखिए किस तरह का लिखेंगे,
एक्स इंटू एक्स प्लस वन, और ये स्लैश है, डिवाइड नहीं है, ठीक है, स्लैश 25, ठीक है। तो हमको ये जो फॉर्मेट है, हमको इस फॉर्मेट में हमको लिखना है, ठीक है। ये एक फॉर्मेट है, अगर जब भी कोई प्रॉब्लम हमको इस तरह का मिलेगा जिसका लास्ट डिजिट 5 हो, तो हम इस फॉर्मेट में जो कि लिखेंगे और उसका जो कि स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मेट हम लोग को याद रखना है, ठीक है। तो देखिए x का वैल्यू क्या होगा वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल में चलिए बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग का क्या था, फर्स्ट एग्जाम्पल था हम लोग का क्या, 25। तो 25 का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो देखिए x का वैल्यू हम लोग को क्या होगा, देखिए ये जो लास्ट डिजिट जो 5 है ना, वो 5 को छोड़ के बाकी जितने भी डिजिट रहेगा, 5 के आगे जितना भी डिजिट रहेगा वो मेरा एक्स का वैल्यू होगा, ठीक है। तो इसमें 5 के आगे मेरा कौन सा डिजिट है, 2, तो वो मेरा एक्स का वैल्यू हो गया, ठीक है। ये मेरा एक्स का वैल्यू हो गया, तो चलिए इस फॉर्मेट में हम लिखते हैं इसको, 2 मेरा एक्स हो गया, तो यानी कि 2 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है, स्लैश 25, ठीक है। क्योंकि देखिए 5 का मैंने क्या बताया, 5 से पहले जो भी नंबर रहेगा वो मेरा एक्स होगा, तो 5 से पहले क्या है मेरा 2, तो वो मेरा एक्स हो गया। तो इस फॉर्मेट में अगर लिखेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 1 स्लैश 25, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 स्लैश 25 लिख दिए। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, चलिए देखिए 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 स्लैश 25, ठीक है। चलिए आगे लिखते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6 26 को आप स्लैश नहीं लिखेंगे, आप 25 सीधे उतार देंगे, ये जो 25 है ये मेरा नीचे आ गया, तो बस हो गया मेरा। देखिए 25 का जो कि स्क्वायर मेरा क्या होगा, 625 मेरा ये इसका स्क्वायर निकल गया, ठीक है। तो देख लीजिए कितना आसान है निकालना, तो इतना लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं आप लोगों को इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे सोचना है आप लोगों को, तुरंत ये 2 सेकंड में कैसे निकालिएगा, इतना स्टेप लिखने का जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये सब स्टेप लिख दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे सोचना है ताकि तुरंत 2 सेकंड में जैसे निकल जाए, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं, तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 मेरा क्या है, 45 का स्क्वायर, ठीक है। तो 45 का स्क्वायर हम लोग कैसे लेंगे, बस जैसे इस जो ये फॉर्मेट है इस फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए अब मेरा क्या होगा, इसमें 45 में इसमें एक्स कौन सा होगा, देखिए 5 से पहले जितना भी डिजिट है यानी कि 4 है, वो मेरा क्या होगा, एक्स होगा, वो मेरा एक्स का वैल्यू होगा, ठीक है। तो देखिए ये मेरा 4 जो कि एक्स का वैल्यू हो गया, तो अब इस फॉर्मेट में हम लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 4 प्लस 1 स्लैश 25, ठीक है। तो आगे लिखते हैं, ठीक है, 4 इंटू 4 प्लस 1 5 स्लैश 25, क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, और फिर 25 को उतार देंगे, ये 25 मेरा उतर गया, ठीक है। तो बस हो गया मेरा, देखिए 45 का, ठीक है, 45 का स्क्वायर मेरा क्या हो गया, टू जीरो टू फाइव, ठीक है, हो गया मेरा ये, ठीक है। चलिए इसी तरह से, तो चलिए इसी तरह से तीसरा एग्जाम्पल को देखते हैं, तो तीसरा एग्जाम्पल मेरा क्या है, 95। तो देखिए 95 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो फिर बस वैसे ही करेंगे, लास्ट डिजिट 5 है, तो उससे पहले जो भी डिजिट है वो मेरा क्या हो गया, एक्स का वैल्यू होगा, ठीक है, एक्स हो गया। तो बस इस फॉर्मेट में अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 9 इंटू 9 प्लस 1 स्लैश 25, ठीक है। तो देखो 9 इंटू 9 प्लस 1 क्या हो गया, 10 स्लैश 25, और 9 इंटू 10 करेंगे तो क्या होगा, 90 स्लैश 25, और जो भी हो लिख दीजिए, और नहीं तो 9025, ठीक है। तो देखिए इसका जो एक स्क्वायर मेरा क्या हो गया,
925, ठीक है। उस तरह से एग्जांपल नंबर फोर ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर फोर में क्या है मेरा, तो देखिए इससे पहले जो भी डिजिट मैंने बताया था, क्या बताया था, टू टू डिजिट करके था। देखिए इसमें टू डिजिट टू डिजिट टू डिजिट, ठीक है। इस बार मैंने क्या ले लिया, थ्री डिजिट के ले लिया। तो देखिए थ्री डिजिट के कैसे निकालेंगे, सेम उसी वैसे ही निकालेंगे। इसमें भी मतलब कोई जो है कि चेंज नहीं होगा, सेम इसी तरह से निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, जिसके मैंने क्या बताया था, फाइव से पहले जो भी डिजिट रहेगा वो मेरा एक्स रहेगा। तो फाइव से पहले जो भी डिजिट क्या हो गया, फिफ्टीन है मेरा, तो ये मेरा फिफ्टीन मेरा क्या हो गया, एक्स अवेल हो गया, ठीक है। तो देखिए फिफ्टीन इंटू फिफ्टीन प्लस वन स्लैश 25, इस फॉर्मेट में लिख दिए, फिफ्टीन इंटू फिफ्टीन प्लस वन स्लैश 25 इस फॉर्मेट में लिख दिए। तो देखिए अब क्या हो गया, फिफ्टीन इंटू फिफ्टीन प्लस वन सिक्सटीन स्लैश 25। तो देखिए फिफ्टीन इंटू सिक्सटीन करेंगे तो क्या होगा मेरा, फिफ्टीन इंटू सिक्सटीन करते हैं तो मेरा 240 होता है, ठीक है। फिफ्टीन इंटू सिक्सटीन करते हैं तो 240 होता है, और 25 को इधर लिख दीजिए, तो बस हो गया मेरा 155 का स्क्वायर मेरा क्या हो गया, यही 24025। तो देखिए कितना इजी है, बस उस तरह से देखिए एग्जांपल नंबर फाइव में रहा है। एग्जांपल नंबर फाइव में मैं थ्री डिजिट ले लिया, ठीक है, 195 का। अगर 195 का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, बस वैसे ही करेंगे। देखिए फाइव से पहले क्या है, 1919 मेरा क्या हो गया, एक्स का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो बस 19 इंटू 19 प्लस वन स्लैश 25, तो बस 19 इंटू 20, ठीक है, स्लैश 25। तो बस इसका इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 380 आता है, 380 और 25, तो बस हो गया ना 195 का स्क्वायर क्या हो गया, यही वैल्यू हो गया मेरा। तो देख लीजिए कितना आसान है। उस तरह से मान लीजिए अगर फोर डिजिट रहेगा तो कैसे निकालेंगे, मान के चलिए फोर डिजिट का एग्जांपल एक ले लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 5, ठीक है। अगर मैं इसका स्क्वायर निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, तो देखिए उसी तरह से जैसे कि मैंने क्या बताया था, फाइव से पहले जितने भी डिजिट रहेगा, फाइव से पहले 1 2 3 है तो वो मेरा एक्स का वैल्यू हो गया, वो मेरा एक्स का वैल्यू हो गया। तो बस 1 2 3, ठीक है, इंटू 1 2 3 प्लस वन, ठीक है, स्लैश 25। तो देखिए 1 2 3 इंटू 1 2 3 प्लस वन 123 प्लस वन के क्या होगा, 124 स्लैश 25। और 123 को और 123 इंटू 124 अगर करेंगे तो क्या होगा मेरा, कितना होगा वैल्यू, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 15252 स्लैश 25, ठीक है। तो अब देखिए बस हो गया ना, इसको लिख दीजिए, हम स्लैश बेकार कर देती हैं, 15252 5, बस हो गया। तो 1 2 3 5 का स्क्वायर मेरा क्या होगा, यही वैल्यू हो गया। तो देख लीजिए कितना आसान है। तो बस इसी तरह से जो है कि आपको निकालना है, ठीक है, और इस तरह के एग्जांपल लेके आप जिसका लास्ट डिजिट फाइव है, आप अपने से खुद से एग्जांपल ले लीजिए और 10-15 वो क्वेश्चन इस तरह का सॉल्व कीजिए, तो आप लोग कभी जो है कि आप जो है कि फटाफट निकाल सकते हैं। तो देखिए अब मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि तुरंत जो है कि 2 सेकंड में आप कैसे निकालिएगा, ठीक है, सेम ऐसे ही सोचना है लेकिन दिमाग में सोचना है, ठीक है। तो देखिए ऐसे ही सोचना है पर दिमाग में सोचना है, तो कैसे सोचेंगे, जैसे कि 25 का स्क्वायर निकालना है, तो इससे पहले मैंने जितने भी एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया, जैसे कि 25 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, 155 का स्क्वायर, 195 का स्क्वायर, इसको जितना भी स्क्वायर जैसे कि बताया मैंने और जितना भी इसका स्क्वायर निकाला, तो देखिए सबके लास्ट डिजिट में देखिए 25 आ रहा है। जितना भी स्क्वायर निकाला, सबका स्क्वायर निकालने के बाद उसका वैल्यू जो भी आ रहा है, उसका लास्ट डिजिट जो है कि 25 आ रहा है। देखिए 25 का स्क्वायर 625, लास्ट डिजिट क्या है 25,
45 के स्कोर मैंने निकाला, ठीक है, तो उसका स्कोर निकाला तो क्या हुआ, लास्ट डिजिट क्या निकला, 25। देखिए 95 के स्कोर निकाला तो उसका भी लास्ट डिजिट मेरा क्या निकला, 25। देखिए 155 का भी स्कोर निकालें तो उसका भी स्कोर मेरा, इसका भी स्कोर का वैल्यू निकला तो देखिए लास्ट डिजिट मेरा क्या निकला, 25। तो देखिए इससे मेरा क्या पता चलता है कि कोई भी नंबर जिसका जो है कि लास्ट डिजिट अगर 5 है, उसको अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो उसका जो कि वैल्यू कुछ भी हो लेकिन लास्ट दो डिजिट का वैल्यू तो है वो तो 25 होना ही होना है। यानी कि देखिए 25 का स्क्वायर हम निकालेंगे तो हमको मालूम है कि लास्ट दो डिजिट जो है कि 25 तो होना ही होना है, बाकी जितने डिजिट होगा वो तो हम इससे देख के निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, जैसे कि इस फॉर्मूला में क्या कर रहे थे, 5 से पहले जो भी नंबर है उसको एक्स मान रहे थे तो उससे एक जोड़ रहे थे, यानी कि 2 × 3 कर रहे थे, यानी कि दो का जो कि टेबल पढ़ना तो है लेकिन कितना बार, दो बार तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे प्लस और एक बार पढ़ देंगे, यानी कि 2 × 3 = 6, तो 225 हो गया इसका स्कोर। उसी तरह से देखिए 45 का अगर हम लेते हैं तो कैसे निकालेंगे, लास्ट डिजिट 5 है, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 25 तो आना ही आना है मेरा लास्ट डिजिट में, लेकिन 4 है तो 4 का पढ़ा, 4 बार तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उससे और एक बार पढ़ देंगे, यानी कि 4 × 5 = 20, 4 × 16 4 × 5 = 20, एक बार एक्स्ट्रा पढ़ देंगे, ठीक है, 4 का पढ़ा 4 बार तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे और एक बार पढ़ देंगे एक्स्ट्रा, तो क्या हो गया, 4 × 5 = 20 हो गया। उसी तरह से 95 का अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो लास्ट डिजिट क्या है मेरा, 5 है, और लास्ट डिजिट जो 5 है तो ऑब्वियसली लास्ट 2 डिजिट जो है उसका स्क्वायर का जो लास्ट 2 डिजिट होगा वो मेरा क्या होगा, 25 होना ही होना है, लेकिन 9 है तो 9 का पढ़ा हम 9 बार पढ़ेंगे प्लस और एक बार पढ़ देंगे, यानी कि 9 का पढ़ा 10 बार पढ़ेंगे, तो 90 हो गया आंसर, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए 155 का, ठीक है, 155 का अगर हम निकालेंगे तो कैसे, लास्ट डिजिट 5 है तो उसका लास्ट 2 डिजिट तो हमको मालूम है कि क्या निकलेगा, 25 तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन बाकी का दो डिजिट हो गया तो 15 × 16, 15 × 16 15 × 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा निकलेगा 240, ठीक है, तो 15 × 16 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 निकलेगा, तो 240 फिर यहाँ लिख देंगे, तो हो गया ना इसका स्कोर इतना हो गया। तो बस इसी तरह से हम लोग को निकालना है, जैसे कि मैंने ऐसा सोचा तो आप लोग को इस तरह का सोचना है, ठीक है, न कि इस तरह का, इस तरह का आपको टाइम लग जाएगा, इतना स्टेप लिखने की क्या जरूरत है, जब मैंने दिमाग में ही सोच के हम लिख सकते हैं तो फटाफट इसी तरह का सोच के निकला है। तो बस देख लिए, तो बस इसी तरह से आप निकाल सकते हैं कोई भी क्वेश्चन का जिसका लास्ट डिजिट अगर 5 हो, कोई भी डिजिट हो, जैसे 10 डिजिट रहेगा अगर उसको लास्ट में अगर 5 होगा, लास्ट अगर डिजिट अगर 5 आ रहा है तो डेफिनेटली उसको स्क्वायर करने पर उसका लास्ट डिजिट 25 होना ही होना है, ठीक है, बाकी का जो है कि हम उससे एक जोड़ के हम मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, इस वीडियो को। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को जैसे कि पहले ही बता दिया हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा स्क्वायर का ही नेक्स्ट लेक्चर होगा, स्क्वायर ऑफ ए नंबर नियर ऑफ 50, कोई भी नंबर है जो 50 के आसपास में होगा तो उसको कैसे निकालूंगा, ठीक है, और 50 से अगर नीचे होगा तो उसका कैसे निकालेंगे, ठीक है, उसका भी एक शॉर्टकट ट्रिक होता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप लैपटॉप से देख रहे हैं तो आप यहाँ पे देखिए एक सब्सक्राइब बटन होगा, ठीक है, रेड कलर का, आप उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे अगर क्लिक कर लीजिए तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर आप मोबाइल थ्रू से देख रहे हैं तो ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है, और प्लस सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगा, जैसे कि ये वाला मैं अपलोड करूँगा तो आप लोग को जो है कि नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके, ठीक है। सो थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में चलिए आप लोग से मिलते हैं।